नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो का विषय है वह यह है कि कोर्ट्स अभी बंद चल रहे हैं। सभी कोर्ट्स, चाहे वो DRT कोर्ट हो या फिर वह हाई कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट खुले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी काम उन्हीं पिटीशंस पे हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में यदि व्यक्ति ने लोन लिया है और उस व्यक्ति ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था और अब बैंकों की तरफ से उसे लीगल नोटिस आ रही हैं, और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके घर ऑक्शन की नोटिस आई हुई है, तो वह इस कंडीशन में क्या करें कि जब कोर्ट्स बंद हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, यदि आपके पास भी लीगल नोटिस आ रही हैं बैंक के तरफ से, जो वकील हैं उनके तरफ से नोटिस आ रही हैं, वह नोटिस पोजीशन की हो सकती है या फिर वह नोटिस आपके घर के ऑक्शन की, यानी कि आपके घर के नीलामी की नोटिस हो सकती है। यदि आपके घर पे नीलामी की नोटिस आ रही है और इस समय कोर्ट्स जैसे कि बंद चल रहे हैं इस कोरोना महामारी की वजह से, तो आप किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय आपको किसी वकील के चक्कर में नहीं पड़ना है और न ही कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको अपने बैंक के रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर या फिर बैंक मैनेजर, आपको जिससे बात करनी है उससे बात करिए और उन्हीं से बात करके इस समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। देखिए, यदि आप अभी कोर्ट्स के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको डेट्स नहीं मिलेंगी, आपकी जो भी आपका जो भी मुकदमा है वह लगेगा, लेकिन वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अगर पॉसिबल है हाई कोर्ट में तो वो रिप्रेजेंट होगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जज आपकी बातों को सही तरीके से नहीं सुन पाएगा, और साथ ही साथ जो भी आपके वकील होंगे, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर कोर्ट में स्टे लेने के लिए बात करते हैं तो उस पर भी सही तरीके से विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी भारत में जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है वह सही तरीके से सिग्नल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह सही तरीके से बात पकड़ में आए या ना आए। जैसे कि कोर्ट्स में फिजिकली रूप से आदमी अपीयर होकर के जज के सामने बहस कर लेता है, हर छोटे छोटे पॉइंट्स को बात करता है, हर चीज़ों को लेकर के वह बात कर सकता है, वह जज जो सामने बैठा रहता है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको तो पता ही है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसी है। तो यदि आपके पास कोई भी ऑक्शन की नोटिस आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैंक के मैनेजर से, रीजनल मैनेजर से, जोनल मैनेजर से, जो भी ऑथोराइज ऑफिसर है, जो भी उस नोटिस को रोक सकता है, उससे आप प्लीज़ बात करिए। देखिए, बात करने से ही सोल्यूशन निकल सकता है। यदि NPA हुआ था और अब बैंक का मैनेजर कह रहा है कि आपको इतना पैसा देना है, तो आप कहीं से कुछ पैसों को जुगाड़ करके, अपने रिलेटिव से लेकर के, अपने फ्रेंड से लेकर के, किसी से भी कुछ पैसे लेकर के बैंक को वह पैसा आप दे दीजिए, आपका जो अकाउंट है वह रेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लोन चलता रहेगा और जब कंडीशन ठीक होंगी तो आप अपना अकाउंट सेटल कर लीजिएगा पैसे दे करके। और अगर ऑक्शन की नोटिस आई है तो उस ऑक्शन की नोटिस को रुकवाने के लिए आप बैंक में जा करके पोलाइटली बात करिए। बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अभी कोर्ट्स बंद चल रही हैं तो आप कृपया किसी भी वकील के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो वह वकील आपसे कोर्ट फीस के नाम पे पैसा भी ले लेगा और उसके बाद आपका जो केस है वह पेंडिंग ही रहेगा, और यहाँ पता चला कि आपका जो घर है वह भी नीलाम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो अभी आप DRT या फिर हाई कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, आप अपने बैंक से बात करिए, आप अपने बैंक के जो भी ऑथोराइज ऑफिसर हैं उनसे बात करिए, वह आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे, अगर जेन्युइन है तो ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में बैंकों के लीगल नोटिस से बच सकते हैं, और आप प्लीज़, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप हाई कोर्ट या फिर DRT के चक्कर में न पड़े। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और कोई सवाल हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के,
और यदि आपको किसी प्रकार से कोई भी विधिक सलाह चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे बुकिंग करवा करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन करके भी दे सकता हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। और इस कोरोना महामारी में खुद को प्लीज़ बचाएं और अपनों को भी बचाएं। प्लीज़ स्टे होम।